मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि कल सुबह दुकान टाइम पर पहुंच जाना और दुकान पहुंचते ही वो अकाउंट रिपोर्ट और स्टॉक रिपोर्ट का काम चालू कर देना, ठीक है जी? चलो मैं चलता हूँ। सेठ जी, आपका फोन साइलेंट पे मत रखना प्लीज। क्यों, अभी क्या है? वो क्या है सेठ जी, अगर फिर से हमारा झगड़ा हुआ और हमें आपको फोन करना पड़ा और आपने अगर फोन नहीं उठाया तो बेचारे बापूजी की फिर से नींद खराब होगी। ठीक है, काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, आप दोनों सो जाइए। आप सो जाएंगे ना, उसके बाद ही मैं निकलता हूँ। चलो सो जाओ। अरे एक मिनट, आप दोनों सो गए तो फिर मेरे जाने के बाद दरवाजा कौन बंद करेगा? ठीक है सेठ जी, तो आप दरवाजा अटका के चले जाना। अरे कोई चोर वोर घुस गया तो? अरे सेठ जी, आपको पता नहीं, कोई चोर चाली में चोरी करने नहीं आता, क्योंकि चोर को भी पता है यहाँ चाली में कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, और अगर आएगा तो बराबर का मार खाएगा। तो डोंट वरी सेठ जी, हम लोग सो जाए तो आप दरवाजा अटका के चले जाना। ठीक है, सो जाइए। अच्छा सेठ जी, थैंक यू। सेठ जी गुड नाइट। अरे ये खर्राटे हैं कि क्या, यहाँ तो खर्राटों की जुगलबंदी चल रही है। इनके पड़ोसी सच में अच्छे हैं, पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। चलो ये लोग अभी गहरी नींद में सो गए तो मैं भी निकलता हूँ। नहीं नहीं, एक 5 मिनट रुक जाता हूँ, दोनों में से कोई एक जाग गया तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। रुकता हूँ थोड़ी देर। और ये लोगों के चक्कर में तो मुझे भी नींद आ गई। अरे बाप रे, 3 बज गए। चलो चलो भाई, लो मोबाइल की बैटरी तो एकदम लो हो गई, कभी भी बंद हो जाएगा। चलो भाई चलो, फटाफट घर पहुंचता हूँ। बोलो, 3:30 बज गए, कब सोऊंगा कब जागूंगा? ये नटू काका और बगन ने तो पूरी रात की वाट लगा दी। घर की चाबी, कहाँ गई चाबी? मैंने ली थी या भूल गया? लगता है भूल गया। बेल बजाऊंगा तो बापूजी की नींद खराब होगी, जाग जाएंगे। अभी और कोई चारा भी नहीं है, बेल बजानी ही पड़ेगी। बापूजी की थोड़ी डांट खा लूंगा और क्या। अरे ये घंटी बज क्यों नहीं रही है? कहीं जल्दी जल्दी में मैंने लाइट के साथ साथ घंटी की स्विच भी बंद तो नहीं कर दी? लगता है शायद ऐसा ही हुआ है, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। अभी क्या करूं, टप्पू को फोन करता हूं। ए, फोन दादा, मुझे पता है आपकी बैटरी बहुत लो है, लेकिन प्लीज ये एक फोन हो जाने दो, फिर घर के अंदर जाते ही मैं आपको पेट भर भर के करंट पिलाऊंगा। दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा। टप्पू जी,
बापू जी। लगता है बापूजी के कमरे तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, अब क्या करूं? ये सब नटू काका और बाघा की वजह से हुआ है। रामसंग कंपनी का टेंशन नहीं होता ना तो दोनों को नौकरी से निकाल देता। अभी क्या करूं, किसको जगाऊं? मेहता साहब, मेहता साहब के घर पे दूसरी चाबी नहीं है, क्या करूं, कहां जाऊं? एक काम करता हूं, पोपटलाल के घर जाकर सो जाता हूं। अरे बाप रे, कितनी डरावनी बिल्ली है। अरे हटने भाई, निकलने, मेरी माँ डर लग रहा है तुझसे। अरे कच्ची माड़ू हूँ मैं, और कच्ची माड़ू के पास हर चीज का इलाज होता है, समझी? आई बड़ी डराने।